तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए पिताजी हमारे ले रहे हैं, खुरपी ले रहे हैं। वाह बड़ा लंबा लंबा बाबू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पांडे पार बाजार का पूरा व्यू है। हाँ दोस्तों देखिए घर पे पहुंच चुका हूँ। भाभी देखिए दोपहर में बाल झाड़ रही हैं, ये समय नहीं है बाल झाड़ने का, अब काफ़ी ढील हो गए हैं बाद में बाल झाड़। अभी अभी देखिए दोस्तों देख के आया हूँ, अब मैं रख के अब निकलूँगा। बस जन धरती हो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को मैं बाजार में घुमा देता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। देखिए हम लोग जा रहे हैं पांडे पार बाजार में, मैं और पिताजी हम साथ में चल रहे हैं खुरपी लेने के लिए। और देखता हूँ दोस्तों खुरपी मिलता कि नहीं मिलता, अभी तो दोपहर हो रहा है, एक बज रहा, मिल जाए बउआ खुरपिया मिल जाए क्या है। तो चलो कहाँ गए रे ए फ्यूज। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम लोग खुरपी लेने के लिए। देखिए भाभी लोग ऑर्डर दिए हैं कि खुरपी लेते आइएगा, दोनों लोग हैं देखिए इधर हैं इधर हैं। सुग्रीम तैयारी कर रहा मार्केट में जाने के लिए, अभी सामान वामान निकाला किलो बटखरा, अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखो बाइक है, बाइक से पिताजी को लेकर चल रहे हैं बाजार में। आज चलिए बाजार में पिताजी के साथ मैं खुरपी लेता हूँ। तो दोस्तों दोपहर में एक डेढ़ बज चुका है, डेढ़ बजे हम लोग निकल रहे हैं। देखिए भाभी बाहर झाड़ ली हैं, बैठी हैं उधर, पिताजी हमारे तैयार हो रहे हैं, अभी कपड़ा वपड़ा पहन रहे हैं दोस्तों। और जैसे ही आते हैं हम लोग निकलते हैं। देखिए बाइक में मैं बैठा हूँ, बाइक पर बैठा हूँ और अभी लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए सवा एक हो चुका है, अब कहाँ जाता हो? ये मोटरसाइकिल से आना चाहिए। देखिए दोस्तों आ गए पिताजी, बैठो कहा बैठो बैठो आराम से। तो दोस्तों देखिए पिताजी को बैठा लिया, अब काफ़ी दिन मुझे भी होगा बाजार घूमे हुए, चलिए आज खुरपी ले ही लिया जाता है। फाइनली हम लोग पांडे पार बाजार में पहुंच चुके हैं। और देखिए पिताजी हमारे घर घूम रहे हैं। दस रुपया बड़का बड़का सब दस रुपया लूट माल छूट में दस रुपये मुझसे दे रहे हैं। देखिए काफी भव्य है पांडे पार। तो देखिए खुरपी है, अभी दोपहर का समय दोस्तों इसलिए भीड़ नहीं है। अब पिताजी हमारे देखिए इधर है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिताजी दो ले लिए हैं खुरपी। और इधर देख सकते हैं दोस्तों कपड़ा का दुकान इधर है मार्केट, इधर खुरपी उरपी है, उधर सब्जी उब्जी बिक रहा है दोस्तों, इधर फल का है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इधर हल्दी का मार्केट है, हल्दी मसाला सब्जी मसाला सब कुछ इधर है। तो दोस्तों देख सकते हैं खुरपी एक का 50 रुपये मांग रहे हैं, दोनों का 100 रुपये मांग रहे हैं दोस्तों, 70 रुपये दिया जरा ले नहीं रहे हैं। 12:30 भी हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दो खुरपी लिया जा चुका है। देखिए कुमार इनके दे दिया हो 10 रुपया ले लिया गया है, और दो खुरपी लिया गया 80 रुपया में, 40-40 रुपये का एक खुरपी है। और अब हम लोग मार्केट सब यहाँ निकलेंगे, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों अभी भीड़ नहीं हुआ है, बाइक लेकर अंदर घुस गया हूँ और हम लोग बाहर अब निकलेंगे यहाँ से। अंगूर ले लिया जा रहा है, ले लो वो पावर ले लो, कैसे रहा है दोस्तों। चलिए 30 रुपया इनके दे दियो, ठीक हुआ जानी लोग बाने दो दुकान बाने है साहिल, ठीक है ठीक। हाँ चले ऑनलाइन करे हाँ सब कुछ। तो दोस्तों तो वही बनवा लियो दोस्तों, देखिए दो खुरपी ले जा चुका है और बेड शायद फटा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं 1:30 बजे दोपहर, अभी भीड़ नहीं है, अभी मान चलिए दोस्तों 4 बजे यहाँ भीड़ होगा।
हाँ तो सब बेटवा पर गड़बड़ बा दोस्तों, चलिए निकल आओ तो पको चलो जाओ भाई आओ तो दोस्तों चलिए अब हम निकल रहा हूँ, अब चल रहा हूँ दुकान पर यहाँ से पिताजी को अभिमान। चलिए 4 बजे भीड़ होगा। हाँ दोस्तों पांडे पार्क का बाजार है, काफ़ी मशहूर बाजार। दोस्तों पहले कहा जाता था कि यहाँ जो भी आदमी बीच में छूट जाते थे घर पर ही मिलते थे, अब तो आप लोग देख सकते काफ़ी खाली है। अब ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, अब भीड़ 4 बजे 5 बजे भीड़ लगेगा। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप कहाँ जाते हो बुआ? चलो तो चलो जा। फाइनली हम लोग बाजार से चले आए हैं खुरपी उर्पी लेकर। 2 खुरपी लिया गया है, 80 रुपये में 2 खुरपी लिया गया दोस्तों, 120 रुपये मांग रहे थे। और देखिए बबुलों का अंगूर भी वहीं ले लिए हैं हम लोग, अभी 30 रुपये बाकी लगा कर आए हैं बाजार में। और चलिए दोस्तों समय से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं दुकान पर। एक दुकान बंद था, इसके पहले गया था राशन छुड़ाने के लिए, राशन छुड़ा के घर से झट रख कर फिर वैसे ही हम लोग निकल गए पांडे पार्क बाजार। आप लोग पांडे पार्क बाजार दिखाई दिया हूँ, काफ़ी भव्य है दोस्तों। अभी 4-5 बजे बाद भीड़ लगता है, अभी दोपहर है तो इसलिए भीड़ नहीं था।